नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आनंद टीवी, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। आज फेस टू फेस में शाहीन बाग के मुद्दे पर होती सियासत पर बात होगी, क्योंकि शाहीन बाग को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने दिखाई दे रही है। अब शाहीन बाग में सीएए को लेकर धरना प्रदर्शन हो और यहां होती सियासत को इसलिए समझ लीजिए क्योंकि अब भाषाई मर्यादा भी तार तार होती दिख रही है। बीजेपी के दिग्गज जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लेकर भी सियासत गरमाती हुई दिखाई दे रही है। जो आमने सामने आज मेहमान होने वाले हैं उनसे आपका परिचय करा दे। नेहा शालिनी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं, अकील खां जी सामना करेंगे आम आदमी पार्टी से हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। ये वो बयान है जो दिल्ली की सियासत में इन दिनों चर्चा का विषय है, जो दिल्ली चुनाव का एक अहम मुद्दा बन गया है। बता दें कि सीए के खिलाफ शाहीन बाग में प्रदर्शन जारी है और इस पर बयानों का दौर भी जारी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जो बयान दिया उस पर अब विपक्ष हमलावर हो गया। सरकार यहाँ आम आदमी की बने, चाहे सरकार यहाँ कांग्रेस की बने, चाहे सरकार यहाँ बीजेपी की बने, दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर तो अमित शाह चलाते हैं। ख्याल से प्रवेश शर्मा इस बात को मान रहे हैं कि भारत सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मामले में एकदम निकम्मी है और चार पांच लोग भी दिल्ली में तबाही मचा सकते। चलिए अब आपको प्रवेश वर्मा का वो पूरा बयान भी सुनाते हैं जिस पर हंगामा मचा है। अगर 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक घंटे के अंदर अंदर शाहीन बाग के अगर आपको एक भी आदमी दे देगा तो मैं भी यहीं और आप भी नहीं। एक आदमी नहीं दिखाई देगा, एक सिंगल आदमी नहीं दिखाई देगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के विवादित नारे पर भी विपक्ष गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। ये कहा कि देश के गद्दारों को गोली मारो, तो गोली मारने का क्या मतलब है? मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि इस स्लोगन पे आज तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, आज तक इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया। साफ साफ आईपीसी के कई सेक्शंस का उल्लंघन है। फिलहाल दिल्ली के चुनावों में जहां सीए को लेकर शाहीन बाग का प्रदर्शन मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं इस तरह के भड़काऊ बयान सियासत को हवा देने का काम कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो चुनाव में कौन से मुद्दे होंगे, किन पर बहस होगी और किन मुद्दों को लेकर रणनीति बनाई जाएगी, ये तमाम पार्टियां बखूबी जानती भी हैं। देश में फिलहाल सीए का विरोध हो रहा है और दिल्ली का शाहीन बाग इसका सेंटर बना हुआ है, अड्डा बना हुआ है, और यही नतीजा है कि शाहीन बाग का जो प्रदर्शन है वो दिल्ली चुनाव का मुद्दा बन रहा है। आज आमने सामने दो मेहमान हमारे साथ हैं जो इस पर बात करेंगे, क्यों भाषाई गरिमा तार तार हो रही है। कपिल सिब्बल जैसे कह रहे थे कि जैसे नारे लग रहे हैं और जैसी चीजें दिखाने की कोशिश हो रही है उससे क्या देश बदल जाएगा, दिल्ली बदल जाएगी। शालिनी जी हमारे साथ बीजेपी से हैं। नेहा शालिनी जी, आपके पास मैं सीधे आ रहा हूं। भाषा की जो गरिमा होती है वो तार तार चुनावी मौसम में क्यों होती दिखाई दे रही है? जो नारे ठाकुर साहब लगा रहे हैं, प्रवेश शर्मा जिस तरह की बात कर रहे हैं, उससे क्या समझे जनता? देखिए, प्रवेश वर्मा जी या अनुराग ठाकुर जी ने किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ कोई बात नहीं कही, क्योंकि यहाँ शाहीन बाग का आपको सीए का विरोध है, लेकिन यहाँ सीए का विरोध नहीं है। शाहीन बाग जो है ये एक कॉम्युनल राइट, एक अड्डा बन गया है, पीएफआई का अड्डा। पीएफआई के 16 जो केंद्र है वो 16 राज्यों में फैले हुए हैं, जिसमें से उनका जो महिला विंग है, विमेन विंग्स, महिला विंग, वो इस वक्त बहुत एक्टिव है जो शाहीन बाग में बैठा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आम औरतें हैं जो वहां बैठ के धरने पर बैठी हुई और बच्चों को लेकर बैठी है? नहीं, ये पीएफआई का महिला विंग है जो वहां
ये शरारतें करवा रहा है और चाहता है कि हिंदू मुस्लिम्स के राइट्स हो। दूसरा, शर्जिल इमाम जब खड़े होके ये बात बोलते हैं, कौन सा ऐसा हिंदुस्तानी मुसलमान होगा जो ये बात को कंडेम नहीं करेगा, ये कहेगा कि हाँ कोई बात नहीं, जो शर्जिल इमाम ने कहा वो ठीक है। शर्जिल इमाम ने खड़े होके सारी दुनिया के सामने ये बकवास किया, इसे मैं बकवास ही कहूंगी, कि अगर असम को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए, ऐसा हमें करना चाहिए, हम 5 लाख मुसलमान इकट्ठे हो जाते हैं तो हम बहुत जल्दी हिंदुस्तान से असम को अलग कर देंगे। कौन सा हिंदुस्तानी मुसलमान चाहता है कि असम से अलग कर दिया जाए? आप कोई भी मुझे बता दीजिए, जो भी हिंदुस्तानी मुसलमान है वो ये चाहता हो कि असम को हिंदुस्तान से अलग कर दिया जाए। तो ऐसे देशद्रोही को के खिलाफ क्या आवाज नहीं उठनी चाहिए? क्या उसे जेल में बंद नहीं करना चाहिए? और जो वहां औरतों को जिन्होंने निशाना बनाया हुआ है, छोटे छोटे बच्चों को बिठाया हुआ है, अगर ये बात सीए की होती तो बच्चे क्या बैठ के वहां ये बोलते, मोदी और शाह को बड़े होके हम मारेंगे? तो आप इसे सीए का विरोध मत कहिए, ये सीए का विरोध नहीं है, ये सिर्फ मोदी का विरोध है, ये सिर्फ अमित शाह का विरोध है। ठीक है अखिल जी, अगर सरकार दिल्ली में बीजेपी की बनी तो 1 घंटे में शाहीन बाग बदल जाएगा, वहां से सब लोग हट जाएंगे। यानी कि सीधा सीधा मतलब ये कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए दिल्ली में शाहीन बाग में जो प्रदर्शन हो रहा है, सीए के खिलाफ लोग बैठे हैं, वो अभी तक बैठे ही हैं। देखिए साहब, ये इनका टोटल फेलुअर यही बता रहे हैं, अपना खुद का जो फेलुअर है गवर्नेंस का, ये खुद ही बता रहे हैं। दिल्ली पुलिस किसके पास में है? अगर वो दिल्ली पुलिस चुनाव के बाद में क्या इनके पास आएगी, वो तो अभी इनके पास में है, अभी को नहीं एक्शन लेते। और मैं आपको बता दूं, मैं तो वहां रोजाना जाता हूं, वहां पर जो पुलिस बैठा रखी है बीजेपी की पुलिस, उन्होंने जो बंद कर रखा रास्ता, वो रास्ता कोई जरूरत नहीं है, बीच में है, बिल्कुल सेंटर में है जो प्रोसेशन हो रहा, प्रदर्शन हो रहा है, और इधर से साइड से आप लेकर के 40 फुट का ये बाईपास रोड है पैरेलल इसके, वहां से आप कालिंदी कुंज के रास्ता बिल्कुल जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो भी एसेंशियल सर्विसेज है, जितना भी जरूरत वाली चीजें, सब वहां से जा सकती हैं। और इधर से जो आपका ओखला मोड़ है, ओखला मोड़ से पूरा रास्ता कालिंदी कुंज जा सकता है, और वो प्रदर्शन भी चलता रहेगा और ये रास्ता भी चलता रहेगा। ये जानबूझ करके जिस तरीके से इन्होंने रोका है रास्ता, उसके लिए एक मुझे याद आता है हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है, एक सीए है एक एनआरसी है, एक सीए है एक एनआरसी है, दोनों साथ साथ हैं, बातें खास खास हैं, देश का चाहे कुछ भी होले, मोदी जी तो कुछ नहीं बोलेगा, और केजरीवाल बोलेगा तो केजरीवाल बोलेगा तो बोलता है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, आपने जिस तरह महिलाओं को, महिलाएं बच्चे आपने कभी गई नहीं है मैडम, जाकर के देखिए कितने दिनों से ठंड में बैठी हुई है, वही महिलाएं उनके नाम लिखे गए हैं, उनके नाम खुल गया, हमारे को पूरी दिल्ली दिख रही है, हमारे को पूरे देश का हास्य गुजर जाना। अगर केजरीवाल दोबारा आए सरकार में तो मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली के जितने भी हिंदू हैं उनके घरों में उनकी औरतें सेफ नहीं होंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। बताइए क्या कहा परवेश वर्मा ने? कोई गलत बात नहीं कही, और अनुराग ठाकुर ने यही कहा गद्दारों को गोली मारनी चाहिए। अनुराग जी ने ये नहीं कहा कि गोली मैं उठा के मारूंगा, उन्होंने कहा मारनी चाहिए, हमारी पुलिस को मारनी चाहिए, हमारी आर्मी को मारनी चाहिए। तो आप लोग तो बोलते ही ना, आप एक्सपोज हो चुके हैं शाहीन बाग पे, केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया कि आम आदमी पार्टी जो है अब आ नहीं रही, वो खास बन गई है, वो सिर्फ मुसलमानों के साथ है बस, और किसी के साथ नहीं है। देश के अंदर जो जिस तरह स्थिति आप लोग बना रहे हैं ना, इसका मतलब यह है कि निलबटे सन्नाटा होने वाला है बीजेपी का रिजल्ट। सुन लीजिए आप, अरे आप सुन लीजिए पहली बात, जितना लड़कियों के साथ एट्रोसिटी पूरे हमारे देश में आज तक नहीं हुई, अरे सुनिए आप, सुन लीजिए आप, अरे आप में सुनने की ताकत है, सिर्फ बोलने की ताकत है, बकवास करने की ताकत है, आप सुनने की ताकत है, अरे आप
अरे आप बोलते हो बीजेपी के गुंडे, बीजेपी शर्म आनी चाहिए, बीजेपी के गुंडे पुलिस के वेश में आकर के लड़कियों को मारते हैं। अरे सर हमारे देश में ऐसे लोगों को बुलाएगा छक्के, छक्के हैं बीजेपी के, ये बीजेपी के छक्के लड़कियों को मारते हैं और औरतों के साथ में उनको गुमराह करें देश को। अरे शर्म आनी चाहिए, अरे आपके पास कुछ नहीं किया। अखिल खान साहब, अखिल खान साहब, अखिल खान साहब, एक मिनट शालिनी जी प्लीज, प्लीज आप दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट है, आवाज गिराइए, अखिल खान साहब की आवाज गिराइए, विंडो से भी हटाइए, अखिल खान साहब, अखिल खान साहब की आवाज गिराइए। हाँ अखिल खान साहब सुनिए 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 जनाब, जनाब सुनिए सुनिए, शालिनी दुआ जी, शालिनी दुआ जी एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शालिनी जी, शालिनी जी, देखिए भाषा जो होती है, जिस भाषा की मर्यादा को गिरता हुआ देखकर हम चर्चा के लिए बैठे हैं, हटाइए जी, अखिल जी को हटाइए, स्क्रीन से हटाइए, अखिल जी दोनों नहीं, दोनों को हटाइए प्लीज, अखिल जी आप कहां बैठे हैं, एक मिनट प्लीज सर, प्लीज आप कहां बैठे हैं, ये मंच आपका नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, ये चुनावी मंच नहीं है, ये ऑनलाइन टीवी का मंच है, क्यों जवाब में क्या आपके आप सब इसीलिए बैठे हैं आप, आपको मेहमान बनाकर बैठाया है, आपको मेहमान बनाकर बैठाया है, और ये अखिल अखिल खान जी, अखिल खान जी, अखिल खान जी अपनी, एक मिनट शालिनी जी प्लीज, एक मिनट, कोई बात नहीं कोई बात, एक मिनट शालिनी जी, शालिनी जी एक मिनट रुकिए, आप रुकिए ना, आप रुकिए बस, अखिल जी आपने इस मंच से एक शब्द का इस्तेमाल किया मैं नहीं कर सकता, प्लीज सर एक बार के लिए माफी मांगिए, चर्चा में इन्होंने बोला है, एक मिनट सर प्लीज, एक मिनट नहीं, शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, शालिनी जी, आपने जो वर्ड बोला है, शालिनी जी एक, आप चुप रहेंगी, आप चुप रहेंगी, आप चुप रहेंगी, आप वापस लीजिए ना, आप मुझे बताइए, नहीं नहीं शालिनी जी, जो लड़की शालिनी दुआ जी, एक आप चुप रहेंगी, एक मिनट आप चुप रहेंगी, एक मिनट चुप रहिए ना, मैं वापस ले लूंगा, हाँ एक मिनट आप चुप रहिए, लड़कियों को मारेगा, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी, अखिल जी अपने शब्द वापस लेंगे, आप अपने शब्द वापस लेंगे, जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया, और लड़कियों को मारने वाले लोग क्या बोलेंगे बताइए, बिल्कुल नहीं, इजाजत नहीं है आपको, इजाजत नहीं है, मैं नहीं इजाजत दूंगा सर, इजाजत नहीं दूंगा अखिल खान जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए प्लीज सर, प्लीज आप अपने शब्द वापस लीजिए, पहले पहले ये भी ये शब्द वापस, शालिनी जी एक मिनट, इन्होंने क्या बोला आपने सुना, इन्होंने क्या वर्ड यूज किया, इन्होंने क्या बड़वा वर्ड यूज किया, नो 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 नो, यू आर रॉन्ग मिस्टर, यू आर रॉन्ग, नहीं बोला नहीं बोला नहीं बोला नहीं बोला, मैं किसने बैठा हूँ, नहीं बोला नहीं बोला, नहीं देखिए आप अपने, नहीं आप अपने शब्द वापस लीजिए, बिल्कुल चर्चा आगे नहीं बढ़ाऊंगा, आप अपने शब्द वापस लीजिए, आप अपने शब्द वापस लीजिए और माफी मांगे प्लीज, नहीं 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 एक मिनट, आप अपने शब्द वापस लेंगे, अकेले अकेले नहीं प्लीज, अकेले जी आप भी अपने शब्द वापस लीजिए सर प्लीज, चर्चा आगे बात करेंगे, जल्दी से जल्दी, बीजेपी की प्रवक्ता हूँ तो कुछ भी सुनूंगी बीजेपी के खिलाफ, बोल के दिखाइए, मैं अरे मैं हमारा काम ही बोलना है मैडम, तो बोलेंगे हम, और ठोक के बोलेंगे, गलत बोलेंगे तो गलत सुनेंगे, वो बोल रहे हैं जलियांवाला बाग, गोरों को भगाया था, साहिल वाला बाग, जामिया वाला बाग, जेएनयू वाला बाग, एमयू वाला बाग, बॉम्बे वाला बाग, पटना वाला बाग, असम वाला बाग, सब बोलेंगे, सब बोलिए, आप लोग आप सब बोलिए, आप सब बोलिए, नेहा जी, नेहा जी, नेहा जी, अखिल जी आप दोनों सब बोलिए, देखिए 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 खान साहब, खान साहब, खान साहब, ये मंच आपके लिए है, ये मंच दर्शकों के लिए है, दर्शक आपके जरिए बहुत कुछ सीखते हैं और देखते हैं समझते हैं, नेहा जी प्लीज आपने एक शब्द आपने इस्तेमाल किया, वापस ले लीजिए खान साहब, आप भी ले लीजिए, क्या दिक्कत, आपने क्यों इंटरफेयर किया, जब मैंने आपकी बात सुनी, आप जवाब सुनने में आपकी आपके पास पावर नहीं है, शक्ति नहीं है सुनने की, आपके अंदर
आपके पास सुनने की शक्ति नहीं, वो बीच में आप बोली थी, आप सिर्फ औरतों की आवाज को दबा दे, ये बताइए वो जो बिचारी लड़कियां अपने बच्चों को लेके आ रही, उनको आप देशद्रोही बोलते हो, उनको गद्दार बोलते हो, अरे शर्म आनी चाहिए देश के लोगों को, कि मतलब उन देश के लोगों को जो आपका पीसफुल प्रोडक्शन ना करो, मैंने यही शब्द इसलिए लिया था, एक एंकर को उन्होंने कहा सोमनाथ भारती ने, सोमनाथ भारती ने, इनके नेता ने कहा भड़वा गिरी मत करो सुदर्शन चैनल के एंकर को, मैं खोले आम बोलती हूँ, शर्म आनी चाहिए आपके नेता को, शर्म आनी चाहिए आपको, बीजेपी के गुंडे जाकर के लड़कियों को मारते हैं और औरतों को मार रहे हैं, औरतों को दाग बोल रहे, अरे शर्म आनी चाहिए, पूरा देश शाली जी, आप बार बार इस शब्द को रिपीट ना कीजिए, इस शब्द को रिपीट ना कीजिए, आपको पता है आप आरोप प्रत्यारोप के दौर में मैं बार बार आपको ये इंडिकेट कर रहा हूँ और इशारा कर रहा हूँ, आप भाषा की गरिमाओं को मत लांघिए, उस लड़की का नाम भी मुझे पता चला, उसने रोते रोते बताया था, आपकी पुलिस ने मारा, आप हमारी पुलिस, देखिए दिल्ली पुलिस, अरे अरे आपको पता ही नहीं है, अरे अभी दे दो, गारंटी देता हूँ अभी दे दो, दिल्ली की सारी की सारी सिक्योरिटी के लिए खड़े हैं, हमें दे दो, दिल्ली पुलिस हमारी पुलिस है, चलेंगे चलेंगे चलेंगे, झूठ बोले और कौवा खाते, मुझे ऐसा लगता है एक मिनट रुकिए शाली जी, एक मिनट अखिल खान साहब, मुझे ऐसा लगता है तू डाल तो मैं पात पात, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप दोनों के बिहेव से मैं इतना समझ गया, आपको दर्शक देख रहे होंगे, आपके बड़े नेता भी हो सकता है देख रहे होंगे, मैंने एक छोटी सी गुजारिश आपसे की, आपने इस मंच पे आकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया, उन अपशब्दों को आप वापस ले लें, आपने इस गुजारिश को नहीं माना, इसका मतलब ये आपकी पार्टी की लाइन है, ये आपकी लाइन है, आप इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आप ऐसी भाषा का समर्थन भी करते हैं, अखिल खान जी के वापस नहीं ले सकते अपने शब्दों को, एक अशांति जी आप चुप रहिए प्लीज, उन्होंने लिया वापस, एक मिनट रुके, इन्होंने वापस मोड़ लिया, देखिए दिल्ली की जनता देख रही है, मैं देखिए हमारी पार्टी बहुत फ्लेक्सिबल है, लेकिन हमें जवाब देना आता है, चलिए वो बोल तो नहीं है, जवाब देना आता है, शालिनी जी ने बोला उन्होंने माफी मांग रही, वो बोले मेरे को माफी चाहिए, मैं माफी मांगती हूँ, मैंने कोई अपशब्द बोला, बोले बिल्कुल मेरे को अपशब्द बोले, पहले माफी ये मांगे उसके बाद मैं अपने शब्द वापस लूंगी, पहले आप बोलिए ना, आपने शुरुआत, बस छोड़िए रहने दीजिए, आपने बोला है पुलिस के देश में बीजेपी के गुंडे, आप एक दूसरे पर आरोप लगाइए, लेकिन आप लोगों की छवि दर्शकों के सामने चली गई है, मेरे पास आप लोग क्या अपना पक्ष रखेंगे, आप लोग अपना क्या पक्ष रखेंगे, अरे जनाब छोड़िए, छक्के बोला, किसको बोला, नहीं आप शब्दों का इस्तेमाल आप मत कीजिए, रिपीट मत कीजिए, नहीं हाजी आप रिपीट मत कीजिए ना, आप रिपीट मत कीजिए, आप भी तो अपनी अपनी बात पढ़ी हुई है, वो भी अड़े हुए, इन्होंने जो बोला वर्ड वो भी, अरे आप वापस ले लेते तो क्या चला जाता, यानी कि आप इसका समर्थन करते हैं इस भाषा का, आप लोग समर्थन करते हैं इस भाषा का, आप क्या बहस करेंगे किस बात पर, आप क्या बहस करेंगे दोनों लोग, क्या बहस करेंगे, क्या बहस करेंगे देश की सियासत, विकास पर, प्रदर्शन पर, सीएए पर, आपको तो अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है जनाब, सबसे बड़ा जो जिम्मेदार बंदा है वो है प्राइम मिनिस्टर हमारा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर बात शब्द निकल गए हैं तो आप उनको वापस भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नहीं करना क्योंकि आप ये जानते हैं, लेकिन जो नेता हमारे देश के कर्णधार हैं, अगर आप ही लोग हैं, आप ही लोग हैं जनाब, आज प्रवक्ता है, आज नेता है, कल को आप नेता है, परसों आप मंत्री हैं, अरे गोली मार दो, अरे गोली मार दो, गद्दारों को बोल रहे हैं, वो भी जनता को नहीं कहा, आप क्यों जनता को भड़का रहे हैं, गद्दारों को पुलिस गोली मारेगी, ये कहा अनुराग जी ने, जितनी भी बहस करेंगे निरर्थक होगी, जितनी भी बहस कर लीजिए आप लोग, मैं ये मानता हूँ कि अगर आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है तो आप हर बहस में आप सुनिए, आप दोनों सामने आ जाओ, आपका कहा है देश किसने का, ईवीएम सरकार, ईवीएम सरकार का कोई देश नहीं होता, वो सिर्फ बुलाने का काम करते हैं, जैसे अंग्रेजों ने जिस तरह से अंग्रेजों ने देश की जनता को लड़ाया है ना, उसी तरह आप लड़ रहे हैं, ये ईवीएम सरकार और चुनावों की सरकार, ये दोनों चीजें उनके पास में, ये सीएनआरसी के नाम पर क्या जरूरत है देश को, इस टाइम चाहिए हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, करेंगे ना ब्लेम करेंगे, केजरीवाल हारेगा, कुछ नहीं करना, ईवीएम खराब थी, यही
50 लाख करोड़ का घोटाला, 10 लाख करोड़ का नॉन परफॉर्मिंग एसेट, 2.5 लाख करोड़ का नोटबंदी। अखिल जी आपको हक नहीं है, आपने क्या क्या किया? अखिल जी आपको हक नहीं है, आप मेरे से तर्क कर लीजिए ना। देखिए मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हो सकता हूँ लेकिन मैं भाषाई तरीके से बहुत बड़ा हूँ आपसे, अब दोनों से मैं बहुत बड़ा हूँ अपने आपको, और इस वक्त गर्व महसूस करता हूँ कि मैं इस मंच पर कैमरे के सामने सालों से बैठकर कभी भी अपशब्द मेरे मुंह से नहीं निकले। आपने आरोप प्रत्यारोप के दौर में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, दर्शकों को कैसा लगा? आपके बड़े नेता देख रहे होंगे, आपके चरित्र के बारे में आपके शब्दों से पता चलता है, आप जो बोल रहे होते हैं पता लगता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। देखिए ना आपने वो शब्द वापस नहीं लिए, मैं अभी भी आपसे गुजारिश करूंगा प्लीज आप दर्शकों के लिए अपने लिए उन शब्दों को वापस लीजिए दोनों लोग, मेरे लिए चर्चा का कोई महत्व है ही नहीं, मेरे लिए सजा को मैं आता हूँ। अरे सीए पर क्या बहस करेंगे आप लोग जब आपको अपनी भाषा पर कंट्रोल नहीं है? देखिए साहब आप मुझे बताइए क्या वर्ड बोलेंगे लड़कियों को? देखिए आप बोल जो बोलिए लेकिन आपने जो बोला वो वर्ड बता दीजिए मुझे, आपने जो बोला उसके लिए मैं बात कर रहा हूँ। डंडे पीट करके हड्डियां तोड़ने वालों को क्या बोलेंगे ये बताइए, क्या बोलेंगे? अभी उसकी इंक्वायरी चल रही है तो आप क्या आरोप लगाएंगे बीजेपी पर? अखिल जी आप कैसे, आपको हक बनता है, ये आपको हक बनता है कि आप अनुराग ठाकुर को लेकर प्रवेश वर्मा को लेकर बीजेपी से सवाल पूछें? अगर आप इस मंच पे एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और शब्द के बारे में ये तो अभी इनको आपको हक ही नहीं बनता है, आप जैसे इंसान को हक ही नहीं है। ये जो है जनता चुनाव आयोग और बीजेपी के खास है, आप छोड़ दीजिए दोनों चीजों को, आप लोगों के बस की किसी भी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, बना रहे हैं जी और कुछ नहीं कर रहे हैं। शालिनी जी आपसे भी, आप दोनों मैं काफी वक्त से आप दोनों को जानता हूँ, आप लोग डिबेट्स में रहते हैं, आप लोगों ने बार बार इस मंच पर उन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जो इस मंच में हम लोग नहीं करते हैं और हम इसका समर्थन भी नहीं करते हैं। हमने आपसे बस इतनी सी गुजारिश की कि आपने बोल दिया आपके मुंह से वो चीजें निकल गई तो आप उनको वापस ले लीजिए। जनाब शालिनी जी आपसे मैंने रिक्वेस्ट की, आपने नहीं दिया। मैं तो कह रही हूँ कि ये औरतों की इज्जत नहीं करते ना, मैं तो अपने शब्दों में आपसे कहा आप बड़े हो गए, आप बहुत बड़े बन जाएंगे, बच्चों को लेकर के अपने ऐसे बोल नहीं मिलता। जरा चलिए चलिए वक्त खत्म हुआ आप दोनों का, शालिनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अखिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए और उन तमाम अपशब्दों के लिए जो इस मंच पर इस्तेमाल किए गए बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं प्रवक्ताओं द्वारा, उसका समर्थन ऑनलाइन टीवी और मैं खुद कभी नहीं करूंगा। ऐसे शब्दों को हमेशा आप लोग वहीं इस्तेमाल करें जहां उनकी जगह है, अगर आप करना चाहते हैं चुनावी मंचों के जरिए, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया आम आदमी पार्टी निशाना साध रही बीजेपी पर, प्रवेश वर्मा जो कह रहे हैं उसको लेकर आम आदमी पार्टी मुखर हो रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता अखिल जी जो शब्दों का इस्तेमाल इस मंच से कर रहे हैं वो कह रहे हैं वो शब्द सही है, इसका मतलब ऐसे शब्दों का हमारे देश के नेता और हमारे देश की सियासत समर्थन करती है, वो कभी भी गिल्टी फील करना नहीं चाहती, वो माफी मांगना नहीं चाहती, बस बोल दिया जी बोल दिया, पत्थर की लकीर हो गई। अब दर्शक हैं आम जनता है वो तो समझ रखती ही है इस मामले पर। फेस टू फेस में आज इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ऑनलाइन टीवी सिर्फ खबर के लिए।